अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ दिल्ली से दमाम कुवैत होते हुए भाई, और आज है 24 जनवरी 2020, जुमे का दिन यानी फ्राइडे है आज। और मैं ट्रैवल कर रही हूँ कुवैत से दमाम सऊदी अरेबिया के लिए कुवैत एयरलाइंस में। तो देखते रहिए आज का मेरा ये व्लॉग। मैं हूँ असमत सैयद। कुवैत से दमाम के लिए फ़्लाइट में बैठ गई हूँ और फ़्लाइट में एंटरटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है। और ये देखिए फ़्लाइट का है अंदर का व्यू मेरी सीट पे से, और ये है कुवैत एयरपोर्ट का आउटर व्यू फ्रॉम माय फ़्लाइट विंडो। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुवैत एयरवेज़ का प्लेन पार्क हो रहा है अपनी जगह पर। आज मैं कुवैत एयरवेज़ में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, और अगर कुवैती करेंसी की बात करें तो यहाँ पे कुवैती दिनार चलता है, जो कि एक कुवैती दिनार इज़ इक्वल टू 235 इंडियन रुपीस होता है तकरीबन। और अगर कुवैत के लोकल टाइम की बात करें तो वो है GMT+3, मतलब सऊदी अरेबिया और कुवैत का टाइमिंग सेम ही है, जो कि इंडिया से 2.5 घंटा पीछे होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुवैत एयरवेज़ की उड़ान संख्या KU741 कुवैत से दम्माम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुवैत से उड़ान समय है सुबह के 11:05 पर, और दम्माम में लैंडिंग टाइम है दोपहर के 12:30 पर। हम आपके सफल, सुखद और मंगलमय यात्रा की मनोकामना करते हैं। Due to safety reasons, due to takeoff and landing, thank you. फ़्लाइट ने अपनी पार्किंग प्लेस छोड़ दी है और जा रहा है रनवे की तरफ। इसका ट्रैवल टाइम है 40 मिनट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये टेक्स्ट जो अभी आपने सुना और देखा, ये सफ़र की दुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने ऊँट पर सवार होकर किसी सफ़र के लिए निकलते तो 3 मरतबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहते, फिर ये दुआ फरमाते जो अभी आपने स्क्रीन पर अरबी में देखी और सुनी है। और इसका मीनिंग इस तरह से है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला पाक है जिसने इस सवारी को हमारे कब्ज़े में दे दिया, और उसकी कुदरत के बग़ैर हम उसे कब्ज़े में करने वाले न थे, और बिला शुबा हमको अपने रब की तरफ जाना है। ऐ अल्लाह, हम इस सफ़र में तुझसे नेकी और तकवा का और उन आमाल का सवाल करते हैं कि जिनसे तू राज़ी होता है।
ऐ अल्लाह, हमारे इस सफ़र को हम पर आसान फरमा और उसकी मुसाफत को लपेट दे। ऐ अल्लाह, तू ही इस सफ़र में हमारा रफ़ीक है और घर वालों का निगेबान है। ऐ अल्लाह, मैं सफ़र की तकलीफ़ों और रंज व गम के मंज़र से और अपने माल और घर वालों में बुरे अंजाम से लौटने से तेरी पनाह मांगता हूँ। सफ़र में ख़ास तौर से दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह ताला से मांगिए दुनिया और आखिरत की खूब खैर मांगे, इसलिए कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। तो सफ़र को इबादत का ज़रिया बना दें। दुआओं का एहतमाम करें, इसलिए कि दुआ भी इबादत है, दुआ इबादत का मगज़ है। तो सफ़र के दौरान खूब खूब दुआएं मांगें अल्लाह ताला से। और अब बात करते हैं कुवैत एयरपोर्ट पर प्रेयर रूम की, यानी नमाज़ पढ़ने की जगह की, तो वह भी मौजूद है। और दो प्रेयर रूम हैं, एक जेंट्स यानी मर्दों के लिए और दूसरा लेडीज़ यानी औरतों के लिए। तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी वहाँ बहुत आसानी है, प्रेयर रूम है वहाँ मौजूद। और इसी के साथ साथ वॉशरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे वॉशरूम है। और वज़ू करने के लिए भी बहुत ही आसानी है, अगर आप बैठकर वज़ू करना चाहते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट है, और अगर आप खड़े होकर वज़ू करना चाहते हैं तो बहुत सारे बेसिन हैं, तो आप खड़े होकर आसानी से वज़ू कर सकते हैं। तो वज़ू करने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत ही आसानियाँ हैं। और कुवैत एयरपोर्ट पर ओपन वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि फ्री है और डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, कुछ भी पासवर्ड या फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेक ऑफ के तकरीबन 20 मिनट बाद फ़्लाइट ब्रेकफास्ट दिया गया, जिसमें एक जूस, एक सैंडविच, एक केक और एक पानी से भरा वाटर कप था। इसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़ेदार और फ्रेश था, खा के बहुत मज़ा आया। और इसी तरह से एंटरटेनमेंट स्क्रीन में काफ़ी कुछ था, जैसे कि मैप तो आप अभी देख ही रहे हैं, मैं पूरा रास्ता मैप देखती आई हूँ। और मैप के अलावा मूवीज़, टीवी शो, ऑडियो गेम्स, कुवैत टीवी और इस्लामिक लेक्चर्स और कुरान करीम की तिलावत 300 जुज़ में, 300 पारे में।
तो काफ़ी कुछ था एंटरटेनमेंट स्क्रीन में। और ये लीजिए, बातों ही बातों में आ गया दम्माम। अनाउंसमेंट हो गया है, हमारा प्लेन कुछ ही वक्त के बाद दम्माम एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्लेन दम्माम एयरपोर्ट पर यानी किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। वेलकम, अहलन व सहलन। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और नए मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। الرجاء أخذ فوق مقاعدكم مع أخذ الحيطة أثناء فتحها تجنبا لسقوط أي أغراض منها.
قائد الطائرة وجميع أفراد، شكرا لاختياركم الخطوط الجوية الكويتية ورفقتكم السلامة. Ladies and gentlemen, for your safety and the safety of the others, please remain seated in your class of travel with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign has been switched off. Please collect your personal belongings from under your seat or from the overhead stowages. Extra care should be taken when opening the overhead stowages as heavy items may fall out causing injury. The captain of the flight and his crew would like to thank you for flying Kuwait Airways today. We hope that you have enjoyed your flight and we look forward to welcoming you on board once again. Thank you and goodbye. Packet in front of you before leaving the aircraft. Thank you for your cooperation.